Good morning of class 4th. How are you all? I hope you all are fine. So now you are ready for the class. So let's start the class. Good morning dear students. Today I bring our first online maths classes. Chapter 1 Roman number. The number system that we use today is called the Hindu Arabic number, like 1, 2, 3, 4, as known as international number. Well, in the olden day, that is the Roman Empire, this is how to use the Roman number. So today we will learn Roman number. Roman numerals are formed by 7 basic symbols. Roman number, Hindu Arabic number. I indicate 1, V indicate 5, 10, X indicate 10, L 50, C 100, D 500, M 1000. We need to remember 3 rules of writing the Roman number. Rule 1 repetition, Rule 1 subtraction, Rule 3 addition. Let's learn each rule one by one. Rule 1, rule of repetition. A numerals can be repeated maximum 3 times only. For example, I 1 1i, 2 2i, 3 3i, but 4 4i is wrong. This is wrong. Why? Because number can be repeated maximum 3 times. रोमन नंबर में यदि कोई भी नंबर ओनली 3 टाइम रिपीट होता है, यदि हमको 4 लिखना है तो हम 4i बनाएंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसमें i 4 बार रिपीट हो गया. तो रोमन नंबर्स का फर्स्ट रूल है कि कोई भी नंबर सिर्फ 3 टाइम रिपीट होता है. रूल नंबर 2, सिंबल i x c एंड m कैन बी रिपीटेड 3 टाइम दैट मैक्सिमम. आई एक्स सी और एम वही कहा है जो पहले वाले में कहा है, ओनली 3 टाइम रिपीट होता है, इसे हम 4 टाइम रिपीट नहीं कर सकते. रूल नंबर 3, सिंबल वी एल एंड डी आर नेवर रिपीट, बट वी एल डी एक बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता, 1 टाइम रिपीट होता है, उसके बाद रिपीट नहीं हो सकता. हिंदू अरेबिक नंबर, रोमन नंबर. 10 वी वी, दिस इज रॉन्ग. वाई? Because V never repeated. V दोबारा repeat नहीं हो सकता, इसलिए हम V को दो बार लिख के 10 नहीं बना सकते. 10 के लिए हम X का यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 2, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन. इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज टू द लेफ्ट, सो अ स्मॉल और ऑफ हाई वैल्यू We subtract the symbol value from the higher value. इसमें जैसे आपने देखा अभी 4 ट्रिपल आई में 4 नहीं, 4i में 4 नहीं हो सकता है, तो 4 कैसे बनेगा? तो ये फर्स्ट रूल है इसका, जब रोमन नंबर में माइनस करते हैं आई वी मीन्स होता है 4, आई मीन्स 1 एंड वी मीन्स 4, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4. 5 मीन्स वी, I 1 means I, तो V minus I equal to 4. But जब रोमन नंबर को लिखा जाता है तो जो माइनस करते हैं तो हमने V को I से माइनस किया है, तो माइनस में पहले I को लिखा जाता है फिर V को, मतलब इसमें जिसका माइनस किया जाता है, जैसे 5 में से I को माइनस किया तो जिसका माइनस किया जाता है उसको पहले लिखा जाता है और जिससे माइनस किया जाता है उसको बाद में लिखा जाता है, इसलिए हो जाएगा आई वी. मतलब रूल ये है कि जब भी हम रोमन नंबर में माइनस करते हैं तो जिससे हम माइनस करते हैं उसको पीछे लिखते हैं और जिसका माइनस किया जाता है उसको आगे लिखा जाता है, इसलिए आई वी हो गया. ऐसे ही 9 का भी होता है, 9 को हम लिखते हैं आई एक्स, तो एक्स मीन्स 10, आई मीन्स 1, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, एक्स माइनस आई 9. अब इसको लिखेंगे कैसे? तो हमने एक्स में से आई को माइनस किया है तो आई को हम पहले लिखेंगे और एक्स को बाद में, क्योंकि जब भी माइनस करते हैं रोमन नंबर में तो जिसका माइनस किया जाता है उसको आगे में लिखा जाता है. क्यों? क्योंकि जैसे हम 5 है, 5 में से हमको 1 माइनस करना है तो 4 हो जाएगा,
तो ये पीछे चला जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 में से जब हम माइनस करते 1 तो नंबर हमारा आगे चला गया, तो नंबर हमारा आगे चला गया, ये 5 माइनस 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से हम 1 माइनस करते हैं तो आता है 4, तो ये हमारा एक आगे चला गया। तो बस हमको जब हम माइनस करते हैं रोमन नंबर में तो जिस नंबर का माइनस किया गया है, जैसे हमने आई को माइनस किया था तो आई को आगे लिखते हैं, एक्स को पीछे लिखते हैं। देखिए 1, 1i, 2, 2i, 3, 3i, बट 4, 4i, दिस इज रॉन्ग। ये क्या होगा हमारा आई वी, क्यों? जैसे अभी मैंने यहां समझाया कि 5 माइनस 1, 4, तो v माइनस आई 4, बट इसको लिखते कैसे हैं, v के आगे हमको i लिखना होता है, जो माइनस करते हैं उसको आगे लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आई वी। अब 5 के लिए v सिंबल यूज करते हैं, आपको लर्न करना होगा। ओके, तो 1 के लिए 1i, 2 के लिए 2i, 3 के लिए 3i, बट 4 के लिए 4i नहीं लिख सकते, 4 के लिए 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आई वी हो जाएगा, और 5 के लिए v। सेकेंड रूल, द सिंबल वी एल एंड डी कैन नॉट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एनी नंबर। वी एल डी किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। जैसे 95, हमको 95 लिखना, तो हम 100 माइनस 5, 95 नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो हमको यदि 95 लिखना है तो 90 प्लस 5, 95, तो हम लिखेंगे एक्स सी वी। एक्स सी वी क्यों? क्योंकि 90 प्लस 5, तो 90 होता है एक्स ही, और उसमें 5 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा वी। ये आप अभी नहीं, बाद में समझेंगे, ये रूल है बट आपको लर्न करना होगा। रूल नंबर 3, आई एक्स एंड सी आर यूज फॉर सब्ट्रैक्ट। आई एक्स एंड सी का यूज सब्ट्रैक्शन के लिए किया जाता है, मतलब आई एक्स और सी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी नंबर से, बट बी एल डी को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपको लर्न करने होंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया था आई वी, 4 माइनस 1, 5 माइनस 1, 4, तो ये हो जाएगा आई वी। 10 माइनस 1, 9, तो फिर आई एक्स, क्यों? क्योंकि हमने जो माइनस किया उसे हम आगे लिख देते हैं। वैसे एल, एल मीन्स होता है 50, यहाँ आपको ये सिंबल्स रिमेंबर कर लर्न करना है, तो एल मीन्स होता है 50, तो यहाँ पे 50 में से हमने एक्स माइनस कर दिया, 50 में से 10 माइनस कर दिया तो हो गया 40, या बाद में समझेंगे। रूल नंबर 3, रूल ऑफ एडिशन। इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज राइट ऑफ द राइटिंग ऑफ द राइट ऑफ सिंबल ऑफ हायर वैल्यू, वी एड द सिंबल, वी एड द स्मॉलर वैल्यू ऑफ द ग्रेटर वैल्यू। अब हमको लिखना है 11, तो हम लिखेंगे एक्स आई वाई। एक्स मीन्स 10, आई मीन्स 1, तो 10 प्लस 1, 11, तो एक्स प्लस आई एक्स आई। क्यों? क्योंकि जब भी रोमन नंबर में ऐड हम करते हैं तो जिस भी नंबर को हम ऐड करते हैं, जैसे हमने एक्स में आई को ऐड किया, तो ऐड जो हम करते हैं तो वो नंबर पीछे लिखते हैं। क्यों? क्योंकि 10 में हमने 1 प्लस किया। बट इसी तरह जब हम माइनस करते हैं तो हमको जिस नंबर को हमने माइनस किया उसको आगे लिखते हैं। मतलब आपको ये रूल याद रखना है कि रोमन नंबर में कोई भी लेटर 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है, और जब माइनस करते हैं तो जिस नंबर का हमने माइनस किया होता है उसे आगे लिखते हैं, और जब प्लस करते हैं तो जिस नंबर का प्लस किया होता है उसे पीछे लिखते हैं। एंड एक्स 10, डबल एक्स 20, ट्रिपल एक्स 30, बट 4x 40 इज रॉन्ग, बिकॉज इन्यूमरल्स कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम 3 टाइम्स। मैंने बताया था कोई भी न्यूमरल सिर्फ 3 टाइम रिपीट होता है, इसमें हमने x को 4 टाइम रिपीट कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। L इंडिकेट करता 50 को, तो 50 माइनस 10 इक्वल टू 40, तो L क्या है 50, x 10 क्या है x, तो L में से x माइनस करेंगे तो होगा 40, तो L माइनस x, तो जब हम माइनस करते हैं तो माइनस वाला पीछे लिखते, तो जो x है वो यहाँ आ जाएगा और L यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 40। Understand dear children, if you any doubt you can ask. Now 1, 1i, 2, 2i, 3, 3i, but 4, 4 में हम 4i यूज नहीं कर सकते हैं, 5, v,
सिक्स लिखना है तो वी आई, क्योंकि हम इसमें ऐड कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि x में 1 प्लस करो तो 11 हो जाता है, वैसे 5 v के लिए हम यूज कर रहे हैं 5, तो 6 के लिए वी आई, 7 के लिए बी डबल आई, 8 के लिए बी ट्रिपल आई, बट वी 4 आई, अगर हम वी 4 आई लिखते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 4 बार रिपीट नहीं कर सकते। तो x 10 के लिए x, अब इसको हम 9 कैसे लिखेंगे, x में से 1 माइनस कर दिया तो हो गया 9। इसी तरह यहाँ पर ये देखो 1 आई, 2 आई, 3 आई, बट 4 में हम 4 आई नहीं लिखेंगे, 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। 5 के लिए v, 6 के लिए वी आई, 7 के लिए v डबल आई, 8 के लिए v ट्रिपल आई, बट 9 के लिए v 4 आई नहीं लिख सकते, फिर रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आई 4 बार यूज आएगा। तो x के लिए 10, तो 9 के लिए आई x, वैसे 11 के लिए 10 10 प्लस 1 11, तो x आई 11, x डबल आई 12, x ट्रिपल आई 4 13 एंड x आई वी 14, क्योंकि x प्लस 4 14, तो x प्लस 4 14, तो 14 लिखने के लिए हम x यूज करेंगे क्योंकि x मीन्स होता है 10 और उसमें हम 4 को प्लस कर देंगे। x प्लस v 15, x प्लस वी आई 16, x प्लस वी डबल आई 17, x प्लस वी ट्रिपल आई 18, x प्लस आई x 19 एंड डबल x हो जाएगा 20। जैसे डबल x 20, ट्रिपल x 30, बट 4x 40 नहीं होगा क्योंकि कोई भी नंबर 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। तो l मीन्स होता है 50, तो 50 माइनस 10 40, तो l मीन्स 50, x 10 मीन्स x, l में से x को माइनस करेंगे तो होगा 40। अब l x माइनस, तो हम जिसका माइनस करते हैं उसको पहले लिखते हैं और जिससे माइनस किया उसको बाद में लिखते हैं, तो ये 40 है। इसलिए सो नाउ आई विल गिव यू होमवर्क, राइट नो रोमन नंबर 1 to 40। अब हम 20 तक आपको समझ में आया, 21 से तो डबल एक्स आई 22, डबल एक्स 2i, इसी टाइप से आपको 21 को x डबल एक्स आई, क्योंकि डबल एक्स मीन्स 20, आई मीन्स 121, डबल एक्स डबल आई क्योंकि डबल एक्स मीन्स 20, डबल वन मीन्स 2, इसी टाइप को आपको 30 और 40 तक लिखना है। ओके, थैंक यू।